अयाना लाइफ स्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए एक डिज़ाइनर स्वेटर लेकर आए हैं। ये खुला खुला स्वेटर पैटर्न है। आप स्क्रीन पे जो स्वेटर देख रहे हैं, इसे 60 फंदों पे बनाया गया है और ये 3 से 4 साल तक के बच्चों का है। इस स्वेटर को हम 6 नंबर की सिलाई पर बनाएंगे। अगर आप इस डिज़ाइन को बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अब हम चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल पे। पहली सिलाई सीधी तरफ से सीधी बुनी जाएगी। इस सिलाई में एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे ला के एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे ला के एक फंदा उल्टा बुनेंगे। और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम हमारी पूरी पहली सिलाई बॉर्डर की कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिए, ये सैम्पल हम आपको 37 फंदों पे डाल के दिखा रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल के अपडेट्स जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं हम फ्यूचर में कौन से डिज़ाइंस अपलोड करेंगे, तो हमारा फेसबुक पेज अयाना लाइफस्टाइल का ज़रूर लाइक करें, क्योंकि हमारे कोई भी चैनल की अपडेट हम यूट्यूब से पहले फेसबुक पे डालते हैं। जो भी हम फ्यूचर में डिज़ाइंस डालने वाले होते हैं वो हम सारी पहले फेसबुक पे अपलोड करते हैं। तो हमारा फेसबुक पेज ज़रूर लाइक करें ताकि कोई भी हमारे चैनल की अपडेट आप मिस ना करें। और हम हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स पढ़ते हैं जिसमें वो हमसे पूछते हैं कि हमने कौन सी वूल यूज़ करी है, कौन सी नीडल यूज़ करी है। तो मैं उन सबको कहना चाहूँगी, हमने आपके कन्वीनियंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे अमेज़ॉन से जो हमने परचेज किया है उसका लिंक डाल दिया है। अगर आप इस कलर की वूल परचेज करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप इस ये नीडल परचेज करना चाहते हैं तो भी आप उस लिंक पर क्लिक करके अमेज़ॉन से परचेज कर सकते हैं। और इस तरह से हमारी पहली सीधी सिलाई ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं दूसरी उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू का एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, इसके बाद ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुनेंगे। ध्यान दीजिए, ये जो नॉट वाला फंदा है इसे हमें ऊन आगे लाके उल्टा बुनना होगा, और ये जो फली वाला फंदा है इसे हमें ऊन पीछे ले जाके सीधा बुनना होगा। एक बात का ध्यान दें, आप सभी के डिमांड पे हम आपके लिए एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन लेके आए हैं जिसमें इयररिंग्स इंक्लूडेड है और बैंगल्स इंक्लूडेड है। अगर आप इस तरह की रीजनेबल और अफोर्डेबल ज्वेलरी हमसे परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज के थ्रू परचेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उधर हमने सारी ज्वेलरी डिस्प्ले कर रखी है, आप वहाँ से आपके ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम से ऑर्डर प्लेस करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको हमारे फेसबुक पेज का लिंक दे देंगे, उस पर जाके आप इन ज्वेलरी को परचेज कर सकते हैं। ये सारी ज्वेलरी 100% रीजनेबल और जेन्युइन है, और जिन रेट्स पे हम आपको ये ज्वेलरी प्रोवाइड करेंगे वो रेट आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगी। तो हमारा ज्वेलरी कलेक्शन ज़रूर देखें। एक बात का ध्यान दें, आज के डिज़ाइन में बॉर्डर 10 लाइनों पर डाला गया है, लेकिन हम आपको यहाँ पे सैम्पल 4 लाइनों का डाल के दिखा रहे हैं। आप चाहें तो बॉर्डर बढ़ा घटा सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और हमारी दूसरी सिलाई भी ऑलमोस्ट ओवर होती है। इसके बाद तीसरी और चौथी सिलाई आपको पहली और दूसरी सिलाई के जैसे बनानी होगी। 4 सिलाई के कंप्लीट होने के बाद का लुक आप देख सकते हो, बनने के बाद इस तरह से आएगा। अब इसके ऊपर हमें डिज़ाइन डालनी होगी। ध्यान दीजिए, ये डिज़ाइन 7 फंदों के मल्टीपल में बुना जाएगा। शुरू का एक फंदा हमने एक्स्ट्रा रखा है, उसके बाद ऊन आगे लाके हम 7 फंदे उल्टे बुनेंगे। पहली सिलाई हम सीधी तरफ से सीधी बुन रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिलाई है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस तरह से 7 फंदे उल्टे बुनने के बाद हम ऊन को इस तरह से लूप बनाते हुए पीछे ले जाएंगे। इसके बाद 7 फंदे हम बिना बुने उतारेंगे। और देखिए, इस तरह से हमने 7 फंदे बिना बुने उतार लिए। इसके बाद ये जो लूप है इसे हम उल्टे हाथ की सिलाई पे चढ़ाएंगे और इसको सारे फंदों के बराबर तक ले आएंगे। इस तरह से ऊन से खींचते हुए हम इसे सारे फंदों के बराबर ले आएंगे, फिर हम ऊन आगे लाएंगे और 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे।
इस तरह से दो फंदों का एक फंदा करने के बाद हम बाकी के 6 फंदे भी उल्टे बुन देंगे। इस तरह से हमने टोटल 7 फंदे उल्टे बुन लिए। अब हम वापस उन्हीं स्टेप्स को रिपीट करेंगे, यानी कि ऊन को हम इस तरह से उल्टे हाथ पे लूप बनाते हुए लाएंगे और इसे अंगूठे से दबाएंगे, फिर ऊन को पीछे ले जाएंगे और 7 फंदे बिना बने उतार देंगे। और इस तरह से 7 फंदे बिना बुने उतारने के बाद हम इस लूप को उल्टे हाथ के सिलाई पे ले जाएंगे और इसे फंदों के बराबर खींच लेंगे। इसके बाद हम ऊन को इस तरह से आगे लाएंगे और 2 फंदों का एक फंदा आगे से कर देंगे और ये फंदा हमने उल्टा बुन दिया। फिर बाकी के 6 फंदे भी हम उल्टे बुन देंगे और इस तरह से 7 फंदे उल्टे बुनने के बाद जो आखिरी का ये फंदा है इसे हम ऊन पीछे ले जाके सीधा बुन देंगे। यहाँ पे हमारी पहली सिलाई ओवर होती है। अब हम आते हैं दूसरी उल्टी सिलाई पर। ध्यान दीजिए, दूसरी सिलाई में हमें कोई भी डिज़ाइन नहीं डालना, इसे हमें प्लेन उल्टा बुनते जाना है। उल्टी सिलाई बुनते वक्त हमेशा ध्यान दें सिलाई का मुँह आपके अंदर की तरफ रहेगा। आज का डिज़ाइन हमने 6 नंबर की सिलाई पे बनाया है, इससे हमारा डिज़ाइन काफ़ी खुला खुला बना है। आप चाहें तो इसे 9 नंबर या 10 नंबर की सिलाई पे भी बना सकते हैं। आज का डिज़ाइन बहुत इंटरेस्टिंग और ट्रिकी डिज़ाइन है, इसे अगर आप पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप इसे ईजिली बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आपसे ये डिज़ाइन नहीं बनेगा। और अगर आप इस तरह के और स्वेटर पैटर्न सीखना चाहते हैं तो हमने पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है। आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, राइट हैंड साइड पे किड्स स्वेटर डिज़ाइन का लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप इस तरह के और बच्चों के स्वेटर सीख सकते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी दूसरी सिलाई भी ऑलमोस्ट ओवर होती है। इसके बाद ध्यान दीजिए, तीसरी सिलाई से लेके 8वीं सिलाई आपको पहली और दूसरी सिलाई के जैसे रिपीट करनी होगी। 8 सिलाई के कंप्लीट होने के बाद का लुक आप देख सकते हो बनने के बाद इस तरह से आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे डबल लूप्स बन गए हैं। अब हम आते हैं नवी सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में हमें डिज़ाइन डालना होगा। इस सिलाई में शुरू का एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, इसके बाद हम डिज़ाइन यही डालेंगे, यानी कि हम ऊन को इस तरह से लूप बनाते हुए अंगूठे से दबाएंगे और फिर ऊन को पीछे ले जाएंगे और इसके बाद 7 फंदे बिना बने उतार देंगे। और इस तरह से 7 फंदे बिना बुने उतारने के बाद हम इस लूप को इतना खींचेंगे कि ये सारे फंदों के बराबर आ जाए और इसके बाद हम ऊन आगे लाके 2 फंदों का एक फंदा आगे से कर देंगे। इस तरह से हमने एक फंदा उल्टा बुन दिया, फिर दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर तीसरा फंदा उल्टा बुनेंगे। अब ऊन पीछे ले जाके आप ध्यान दीजिए, ये जो हमारे 4 लूप हैं इनमें हम सिलाई को इस तरह से फंसाएंगे और इन फंदों को हम सीधा बुन देंगे। इसके बाद हम इस सीधे बुने फंदे को वापस उल्टे हाथ की सिलाई पे चढ़ाएंगे, फिर ऊन आगे लाएंगे और फिर इन 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। इसके बाद 3 फंदे और हम उल्टे बुन देंगे। इसके बाद हम वापस डिज़ाइन रिपीट करेंगे, यानी कि हम ऊन को इस तरह से अंगूठे से दबाते हुए लूप बना के पीछे ले जाएंगे और इसके बाद 7 फंदों को सिलाई पर से उतारेंगे। इस तरह से 7 फंदे सिलाई पर से उतारने के बाद हम लूप को वापस उल्टे हाथ के सिलाई पे फंदों के बराबर ले आएंगे और हम इस ऊन को तब तक खींचेंगे जब तक ये लूप फंदों के बराबर नहीं आ जाए। फिर ऊन को हम आगे ले आएंगे और 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। इसके बाद 2 फंदे और उल्टे बुनेंगे, यानी कि हमने टोटल 3 फंदे उल्टे बुन दिए। फिर हम डिज़ाइन डालेंगे, तो इसके लिए हम ऊन पीछे ले जाएंगे, सिलाई को इन सारे लूपों के अंदर से निकालेंगे और एक फंदा सीधा बुन देंगे। इसके बाद सीधे बुने फंदे को हम वापस उल्टे हाथ की सिलाई पे ले आएंगे और फिर ऊन आगे लाके 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे।
इसके बाद 3 और फंदे हम उल्टे बुन देंगे। इस तरह से हमने टोटल 7 फंदे उल्टे बुन दिए। इसके बाद वापस वही करेंगे, ऊन को इस तरह से आगे लाएंगे, अंगूठे से दबाएंगे और लूप बनाते हुए पीछे ले जाएंगे। फिर 7 फंदे बिना बुने उतारेंगे। इसके बाद ध्यान से देखिए, हम इस लूप को लेफ्ट हैंड साइड पर चढ़ा लेंगे और फिर इन 2 फंदों का एक फंदा ऊन आगे लाके कर देंगे। इसके बाद 10वीं सिलाई आपको दूसरी सिलाई के जैसे बनानी होगी। 10 सिलाई में जाके हमारा डिज़ाइन ओवर हो जाएगा। एक बार स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देखिए, पहली सिलाई से लेके 10वीं सिलाई में हमने 2 डिज़ाइंस डाली हैं, 1 और 2। इसके बाद 11वीं सिलाई से लेके 20वीं सिलाई में हमने 3 डिज़ाइन डाली हैं, 1, 2 और 3। यानी कि आपको इस तरह से बीच बीच में रिबन्स को डालते जाना होगा और इसी तरह से आपको आपके पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट करना होगा। पूरे डिज़ाइन के कंप्लीट होने के बाद का लुक आप देख सकते हो, बनने के बाद इस तरह से आएगा। और यहीं पे हमारा आज का वीडियो ओवर होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड बाय।